पंजाबियां दी बैटरी चार्ज रहती है कैसे पराठे खाके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिसंबर की गुलाबी सर्दी में तुम बस अपना ख्याल रखना, मैं पराठे बनाऊंगा, तुम बस आलू उबाल कर तैयार रखना। बहुत ही खूब मजा ही आ गया दोस्तों। क्या मजा इसकी शायरी से नहीं, पराठे खाकर आया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हैं आपको एक से एक तगड़े पराठे खिलाने। तो पराठे आप देख सकते हो कैसे बन रहे हैं, और ये कोई दिसंबर की सर्दी नहीं है, जून की ही गर्मी है। तो आप देख सकते हो, तो पिछली वीडियोस में मैंने लोकेशन बता दी थी स्टार्टिंग में। दोस्त तुम आधी ही वीडियो देखकर आगे भाग जाते हो, क्यों लोकेशन दिख जाती है और तुम सीधा खाने भाग जाते हो। तो ऐसे मत करो, इसलिए मैं लोकेशन आपको एंड बताता हूँ, स्किप मत करिएगा। पूरा आपको डिटेल में दिखाता हूँ आज हम कहाँ पे आए हैं, और गर्मा गर्म पनीर आलू गोभी प्याज मिक्स, मतलब तगड़े तगड़े पराठे हैं, तवे देख सकते हो आप। तो भैया दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप इतनी गर्मी में देखो भैया, वहाँ यहाँ से लेके वहाँ तक हर जगह बैठे हुए हैं लोग पराठे खाने के लिए। आप पैक करा के भी लेके जा सकते हो और यहाँ पे आराम से बैठ के भी खा सकते हो। पराठे के साथ आपको मिल जाएगा खाने को बटर और चटनी, चटनी बहुत टेस्टी है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पराठे बनते हैं सुबह से लेकर शाम तक। टाइमिंग सुबह ही शुरू हो जाती है 8-9 बजे के करीब, और शाम के 8-9 बजे तक रहते हैं। और चंडीगढ़ की फेमस प्लेस है ये, राजू पराठे वाले हैं। और ये चटनी जो आप देख रहे हो रेड वाली, ये बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। मतलब मैंने तो काफ़ी बार ऑर्डर किए पराठे और चटनी ली अलग से, और कर्ड वगैरह आप अलग से ले सकते हो। और ये लीजिए हमारे आलू के पराठे आ गए हैं उधर। तो दोस्तों आपको आ जाना है सेक्टर 16-16B चंडीगढ़ में, और आपको सर्च करना है अगर गूगल से आ रहे हो तो राजू पराठे वाले, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं कहीं चले के साथ। धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।